आप मुझे ये बताइए, क्या है अगली पहेली? इतनी भी क्या जल्दी है जानने की? ये क्या हो रहा है हमें? ये कैसी यादें हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे स्वप्न चूर चूर हो जाए। क्यों तुम हमारे बार बार सपनों में आती हो? क्यों तुम्हारा चेहरा हमारे ख्यालों में बार बार आता है? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। परीक्षा शुरू की जाए। नहीं, ऐसा मत करो। मैं मानने को तैयार नहीं, मेरे पति नहीं है। देखा राजे साहब, मैंने पहले ही कहा था, यही असली पत्नी है। मुरलीधर की असली पत्नी मालती नहीं, राधिका है। राजे साहब, ये कैसे हो सकता है? इसने तो वार किया ही नहीं। यही तो सच्चा प्रेम है, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करेगा वो अपने पति या प्रेमी को चोट पहुँचाने की सोच भी नहीं सकता। जो उस राधिका ने अपने पति के लिए किया है। सही उत्तर। पहेली का सही उत्तर तो मिल गया है मुझे। अब मुझे बस तीसरी पहेली की प्रतीक्षा है। ये पहेली तो तूने किसी तरह सुलझा ली, अब आगे क्या करेगी? आगे तो तेरी इससे भी कड़ी परीक्षा है। आप मुझे ये बताइए, क्या है अगली पहेली? इतनी भी क्या जल्दी है जानने की? समय के साथ तुझे स्वयं पता चल जाएगा, बस इसी प्रकार प्रयास करती रहे। और हाँ, इसी प्रयास करने के क्रम में तुझे दंड मिलेगा और उसी दंड में तुझे तीसरी पहेली भी मिलेगी। दंड में पहेली मिलेगी, इसका अर्थ क्या हो सकता है? ये क्या हो रहा है हमें? ये कैसी यादें हैं? यादों में जो हमने क्षण बिताए वो तो सुनहरा है, पर ये सब, ये समय हमने कब सुनहरा के साथ व्यतीत किया? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो ये देखने आ रही थी कि पहले सुलझाने के बाद इस पर कोई असर हुआ है कि नहीं, पर ये तो गुस्से में कहीं जा रहा है। दरार तो और भी बढ़ गई है। इसका अर्थ है कि उस सुनैना ने दूसरी पहेली भी पूरी कर ली। वो सुनैना एक के बाद एक पहेलियां सुलझाए जा रही है और हम उसे रोक भी नहीं पा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे स्वप्न चूर चूर हो जाए।
हम ऐसा नहीं होने दे सकते, नहीं होने दे सकते। मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ जिससे मुझे दंड मिलेगा? पर इसी दंड के कारण मुझे अगली पहेली के बारे में पता चलेगा। सुनना, सुनना, सुनना! राजा साहब, मैंने क्या किया है? सबको जानते हुए भी तुम अनजान बन रही हो। क्यों तुम हमारे बार बार सपनों में आती हो? क्यों तुम्हारा चेहरा हमारे ख्यालों में बार बार आता है? क्यों तुम हमारे यादों में आती हो जबकि कोई हमारा रिश्ता नहीं है? बोलो, क्या रिश्ता है हमारा? इसका अर्थ है अधिराज की याददाश्त वापस आ रही है। बोलो, ऐसा क्यों होता है? जब तुम कुछ कहती हो तो मुझे सुनना चाहते, तुम्हारी गलतियों को मिलते क्या करते थे? क्यों हो रहा है ऐसा? बताओ, क्यों हो रहा है ऐसा? कौन सा खेल खेल रही हो तुम हमारे साथ? राजा साहब, कहा था ना मैंने आपको, ये काली शक्ति है। देखिए, देखिए ना कैसे चुप है। चुप क्यों हो? बताओ हमें। राजा साहब, ये क्या बताएगी आपको अधिराज? मैं आपको बताती हूँ, ये आप पर अपनी काली शक्तियों का प्रयोग कर रही है ताकि आप इसके हो सके। इसीलिए अधिराज बार बार इसका चेहरा दिखाई देता है आपको और आप परेशान होते हो। ये गलत कह रही है राजा साहब। गलत तो तुम कर रही हो मेरे होने वाले पति के साथ। अधिराज, मैंने आपसे कहा था ना, ये दासी हमारा विवाह तोड़ना चाहती है और मेरा मन कह रहा है ये अपनी शक्तियों के प्रयोग से आपकी याददाश्त छीनना चाहती है। इसका अर्थ है तुम्हारे पति और उस दूसरी औरत की कहानी भी झूठ है। नहीं राजा सर, ये झूठ नहीं है। तो सच क्या है? बताओ हमें। सच ये है, सच तो ये है अधिराज, कि ये दुखियारी बनके आपकी सहानुभूति उसके बाद आपका प्रेम बनना चाहती है। आप ही सोचिए ना अधिराज, अगर इसका पति दूसरी औरत के साथ कहीं पे रहता तो ये क्या उसे रोकने नहीं जाती? लेकिन आज तक कभी भी ये अपनी पति से मिलने नहीं गई। इसने झूठ बोलकर सबको मूर्ख बनाया, अपने राजा को धोखे में रखा। अधिराज, इसे दंड मिलना ही चाहिए। कल हमारी अंगूठी की रस्म है, अगर उस रस्म में तुम अपने पति को लेकर नहीं आई तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे, याद रखना। क्या हुआ? अब कहां से लाएगी पति? इतना क्रोध, मुझे तो भय हो रहा है। मारना चाहती है? ये ले तलवार, मार डाल। क्या हुआ, ले ना। ये अवसर तुझे दोबारा नहीं मिलेगा, सुनैना। डर गई?
नहीं मार पाए? इस कक्ष में नहीं, तेरा विनाश भरे दरबार में करूंगी मैं। और तुझे खत्म करने से पहले मैं अधिराज के सामने तेरा असली चेहरा ला कर रहूंगी। और प्रजा के हृदय से तेरा ये भय मैं निकाल कर फेंकूंगी सर पे का। इसलिए तुझे खत्म तो करूंगी पर अभी नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे खत्म करता है। क्यों तुम हमारे बार बार सपनों में आती हो? क्यों तुम्हारा चेहरा हमारे ख्यालों में बार बार आता है? जब तुम कुछ कहती हो तो मुझसे सुनना चाहते, तुम्हारी गलतियों को बंदी कर देते थे। क्या रिश्ता है हमारा? अधिराज के हताश तो वापस आ रही है, इसका मतलब है बहुत जल्द उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। कल हमारी अंगूठी की रस्म है, अगर उस रस्म में तुम अपने पति को लेकर नहीं आई तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। एक साधारण सी लड़की के हाथों हम काली शक्तियां हार रही हैं, कि वो सुनैना एक के बाद एक पहेलियां सुलझाती जा रही है। हमें अपनी ये हार स्वीकार नहीं डाकगुरु, इसलिए आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आज हम आपको अपनी आहुति देते हैं। प्रसन्न हो डाकगुरु, प्रसन्न हो। मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे मूर्ख कह रही हो डाकिनी। और हो क्या गया है तुम्हें? बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, तो इस प्रकार कायर के समान मैदान छोड़ के क्यों भाग रही थी? अपना विनाश करने से क्या हासिल हो जाता तुम्हें? हम अपना विनाश नहीं कर रहे थे, हम अपनी आहुति दे रहे थे डाक गुरु को जागृत करने के लिए, और तुमने यहाँ आकर हमारी तपस्या भंग कर दी। खुद तो सुनैना को रोक नहीं पाई, यहाँ चली आई हमें रोकने। तुम रोक पाई सुनैना को? नहीं ना, तो मुझे क्यों सुना रही हो? हाँ हाँ ठीक है, अब बताओ क्यों आई थी यहाँ? मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरे पास एक उपाय है जिससे हम अधिराज को पूरी तरह से वश में कर सकते हैं। कौन सा उपाय? नागवंशी वंश की नागष्टी का अंगूठी, पर उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। हम तुम्हारी किसी भी तरह से सहायता करने को तैयार हैं, बस दो दिन और, एक बार तुम्हारा उस अधिराज के साथ विवाह हो जाए फिर वो सुनैना कुछ नहीं कर पाएगी। हे अम्बे माँ, आज आपकी कृपा से मेरा प्रयास सफल हो रहा है, अधिराज की आदर्श वापस आ रही है माँ। आज भले क्रोध में ही से पर उन्होंने मुझसे मेरे और उनके रिश्ते के बारे में पूछा है माँ। मैं उनको हमारे बारे में बताना चाहती थी कि मैं हूँ उनकी सुनैना, उनकी पत्नी, पर उस दुष्ट काली शक्ति ने मुझे रोक दिया माँ। आप मेरा साथ देना माँ, आपके साथ से मैं हर कठिन रास्ते को पार कर दूंगी माँ।
हे नाग शक्ति, आओ, तुम्हें आना ही पड़ेगा। सर्पिका तुम्हें पुकार रही है, आओ और मुझे नाग अष्टिका अंगूठी प्रदान करो। आओ, वो काली शक्ति कभी मुझे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने देगी माँ। उसने अधिराज को उकसाया, जिसके कारण अधिराज ने मुझे उनकी अंगूठी रस्म में अपने पति के साथ आने का आदेश दिया है माँ। अब मैं क्या करूं? उन्हें कैसे समझाऊं कि वो ही मेरे पति है? आप ही मुझे राह दिखाओ माँ, मुझे सहारा दो माँ। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी और मैं साबित करके दिखाऊंगी कि अधिराज ही मेरे पति हैं। मैं अधिराज की आदर्श वापस ला कर रहूंगी माँ। मुझे शक्ति दो माँ, शक्ति दो। मैं लड़ूंगी माँ, मैं लड़ूंगी। तो अधिराज की अंगूठी है, पर ये यहां कहां से आई? कहां थी अब तक तुम? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको कैसे समझ में आ गया कि मैं ही हूं? तुम्हारी पायल हमें तुम्हारे आने की सूचना पहले ही दे देती है। और दूसरी बात, इतना किसी में साहस नहीं जो हमें इस तरीके से स्पर्श कर सके। ये अधिकार हमने केवल तुम्हें ही दिया। बैठो। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एक बात बताओ, तुमने हमसे कहा था कि तुम हमारे जन्मदिन पर हमें एक उपहार देने वाली, वो भी खास उपहार। कहाँ है वो उपहार? दो हमें। वही लाने में तो देर हो गई। अच्छा, क्या लिखा है इस पे? जैसे इस अंगूठी के अक्षर दूर नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही हम कभी दूर नहीं होंगे एक दूसरे से। अब पहनाओगी नहीं हमें? सुने ना, कोई बात नहीं, हम दूसरी अंगूठी बनवा लेंगे। मैंने कितने प्रेम से ये अंगूठी बनवाई थी आपके लिए। अधिराज रहने दीजिए, अधिराज रुक जाए, मुझे नहीं चाहिए वो अंगूठी। साधारण सी अंगूठी के लिए आपका हाथ जल जाता तो? ये बचपना नहीं है, इसे प्रेम कहते हैं। और ये अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये बहुमूल्य है।
क्योंकि इसे हमारी पत्नी ने हमें दिया है। अब पहनाओगी नहीं? पहनो। बताए सुनन, अब हम इस अंगूठी को हमेशा अपने हृदय के पास लगा के रखेंगे तुम्हारी तरह। उस सर्पिका ने मेरी यादों से जुड़ी सारी चीजें हटा दी थी, फिर ये अंगूठी कहां से आई? मैं समझ गई, ये आपकी कृपा है, आपका संकेत है कि मेरे रहते अतराज को कल अंगूठी रस्म में कोई और नहीं पहना सकता उन्हें अंगूठी। हे अंबे मां, आपकी लीला परम्पार है। की शक्ति से मैं अधिराज के हृदय पर भी नियंत्रण कर सकती हूँ। अब उसके दिमाग के साथ साथ उसका हृदय भी हमारे वश में होगा। बस तुम किसी तरह आज ही अंगूठी रस्म के बहाने ये अंगूठी अधिराज को पहना देना, फिर चाहे सुनैना जितनी भी पहेलियां सुलझाए, अधिराज पर उसका असर नहीं पड़ेगा। आएगा इस खेल में मजा। तो तुझे ये पुरानी अंगूठी मिल ही गई, इसलिए तो अधिराज के सामने कह रही थी कि तुझे अपने पति को अपने हाथों से अंगूठी पहनानी है। ये है तेरी योजना? हाँ, और मुझे ये बता, तू यहाँ क्यों आई है? अपनी हार का दुख मनाने आई है? मुझे तेरा कोई भय नहीं है सर्पिका। मैं तुझे भयभीत करने नहीं सुनैना, आज मैं तुझे मौत देने आई हूँ।